हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की। हमारा थीम थर्ड के नाम से, जो हमारा थीम तीन के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को देख रहे हैं। तो इसमें दो बुक्स हैं, भाग एक और भाग दो। तो भाग एक हम लोग देख रहे हैं। इसमें भाग एक में हम लोग अभी तक 7 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 8वां चैप्टर है। इसमें बात करेंगे महिलाएं, जाति एवं सुधार के बारे में। इसमें देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति और अन्य जातियों की स्थिति क्या थी और अंग्रेजों के बाद क्या-क्या बदला इस क्षेत्र में। ठीक, वैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर आप इंसान हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, भूगोल पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, पॉलिटी पढ़ना चाहिए यानी कि संविधान पढ़ना चाहिए। पता तो रहना चाहिए कि क्या है हमारा, क्या हमारी स्थिति थी, क्या बदली है। फिर वही हाल होगा कि पता नहीं जिए किस लिए, मरे किस लिए। तो देखते रहिए, चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारे सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि कई महिलाएं अभी भी पीछे छूटी हुई हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या फिर मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारी परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। कम उम्र की शादी की बात करें तो हम लोगों ने अभी कल ही, शायद कल ही तो था संडे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बायोग्राफी देखी थी। उसमें उनका भी 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। वो कक्षा 5वीं में पढ़ते थे तब। आगे बात करते हैं, देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती का शाब्दिक अर्थ होता है, सती शब्द का क्या अर्थ होता है? सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की पर्याप्त कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। देखिए, देख रहे हैं? सती बाल थाजर सॉल्विन द्वारा बनाया गया सती प्रथा का एक चित्र। भारत में आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता है। इस तरह से ये ढकेलते थे, अगर भागने की कोशिश करती थी स्त्री महिला तो ये इस तरफ से देखिए डंडे लिए खड़े हुए, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। आगे बात करते हैं, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों जिन्हें पर्याप्त वैश्य कहा जाता था का स्थान आता था। फिर आपके काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणीक्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी कि ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी।
ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के अधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ आखिर। तो याद रखिए, अंग्रेजों का आने का कुछ हमें भी फायदा मिला, ठीक है। और बताया था आप लोगों की कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह इसके भी दो पहलू हैं कि कई भारतीयों ने सम्मिलित होकर भारतीयों के भी प्रयास रहे और अंग्रेजों ने भी कई जगह मदद की है इस तरह से बदलने की, समाज को ऊंच नीच का भाव खत्म करने की, महिलाओं के साथ जो बर्बरता होती थी इन सब में सुधार करने की, उनने भी बहुत कुछ दिया है। बात करते हैं परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं से संबंधित बहस मुआ हिस्से और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी और कभी कभी इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। राजा राम मोहन राय, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सती प्रथा, इस तरह की कुरीतियों को सुधारने में। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक इनका जीवन रहा, इस तरह के एक सुधारक ही थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में से बांध कर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी, उन्हें बाहर आकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। देखिए राजा राम मोहन राय की रेमबॉन्ट वर्ण पील द्वारा बनाए गए 1833 में। बात करते हैं विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अन्य कई भाषाओं, भारतीय भाषाओं एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप आपका 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई राजा राम मोहन के प्रयास से ही, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने
इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया, जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हैं। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति विवाद पारंपरिक परंपरा के प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। चित्त तीन अभिप्राय कुंडों पर झूलने का त्यौहार। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी ख्याल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वाद में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बरबर कर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खासतौर से आलोचना की गई। बात करते हैं आगे। पहले हम उन्हें लड़कियों लकड़ियों से बांध देते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए। सती पिता के बारे में इस तरह का उदाहरण देखिए। सती समर्थक, औरतें कुदरती के तौर पर कम समझदार बिना दृढ़ संकल्प वाली भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति को मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग में से भाग ना निकले इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। सती विरोधी, आप लोगों ने महिलाओं को अपना स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों का को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? तो पहले भी वाद विवाद चलता था, लेकिन पहले काम की बातों पर। अब अगर आप मीडिया में देखें तो हकीकत यही है कि जब मैं कोई डिबेट देखता हूँ मीडिया में तो कॉमेडी की नज़र से देखता हूँ। कॉमेडी करने सुनने या टाइम नहीं कट रहा हो या दिमाग भरा हुआ हो, दिमाग को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए इस तरह की कॉमेडी देख लीजिए चाहिए, क्योंकि आज तरह आज जो भी मीडिया चल रही है, जो भी आपकी डिबेट चलती है, एक कॉमेडी का रूप है, बस मजाक और कुछ नहीं। कहीं आप देखो सीरियस कोई बात होती हो, काम की कोई बात होती हो, कोई नहीं। आगे बात करते हैं उदाहरण के लिए। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करती थी। उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा है आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में बीरेसलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़ीवादी तबके के इस कानून नए कानून का विरोध किया गया। याद रखिए इस तरह के पॉइंट आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लिया करिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। देखिए हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। बात करते हैं लड़कियां स्कूल जाने लगी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए, जरूरी है।
कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा है। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। ये आपके ईश्वर विद्यासन विद्यासागर, देख लीजिए। हिंदू महिला महाविद्यालयों की छात्राएं 1875 19वीं शताब्दी में, देखिए 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से थे जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो समय लड़कों को दी जा रही थी। 19वीं सदी के आखिर हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिबा ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयातों का वाला देखकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहन किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू सास संभाल के बारे में पढ़ें। आगे बात करते हैं महिलाओं के बारे में। महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकेया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्हें कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कट्टु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार विकसित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना के नाम से एक किताब विकसित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की है। इस तरह के जो भी आपके पॉइंट होते हैं आंसर राइटिंग आंसर में डालने के लिए बेहतर रहते हैं। जैसे आप कभी लिख रहे हैं महिलाओं के बारे में तो ताराबाई शिंदे ने जो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी इसे भी आप लोग वहाँ उदाहरण में दे सकते हैं। तो याद रखना ताराबाई शिंदे की कौन सी पुस्तक थी, स्त्री पुरुष तुलना। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकते थे। जाहिर है कि इन सब बातों को से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा
कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना ही रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी, हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजों को लेकर चिंतित थे। यहाँ की पंडिता रामाबाई। आगे बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में से भी महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा है, क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो तुम्हें ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों का या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या असर होता है। नाई आता है, उसके लहराते बाल साफ कर देता है सिर्फ इसलिए तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आबो वक्त उन सब अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां व्यवहारिक महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है, क्योंकि उसके पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना में ये शब्द लिखती हैं। बात करते हैं बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हो गई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इन कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर आखिर क्रमशः 21 साल लड़के की और लड़की के लिए 18 साल कर दी। देखिए 8 साल की दुल्हन, यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहली ही हो जाती है। आगे बात करते हैं जाति और समाज सुधार के बारे में। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातियां गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय फायदों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधकों
बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई विचारक आदिवासी समुदाय और निचली जाति जातियों के बच्चे बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहर में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में यानी कि अध्याय 6 में आपने शहरों के विस्तार में के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी का, देखो, जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। बात करते हैं जूते कौन बना सकता है। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़ों के कामों की प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची भी जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे। उन्हें काफी लाभ हुआ। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की पिक्चर है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के सब को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने के माहिर थे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ रही थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं। बंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में अछूतों की एक सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्होंने उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है ना अम्बेडकर साहब की कहानी इस तरह की, तो वही हाल थे। एक गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए काम ढोल ढोकर ले जा रहे हैं आम ढोकर। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। बात करते हैं समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की।
जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर मतुआ पंथ से ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ ए जावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देव मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ही सब। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों में से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास भी किया है। अब बात करते हैं गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक थी। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया, बोला कि आर होने का कारण भी औरों से श्रेष्ठ है। फुले का तर्क था कि आर विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाले मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है। यह है आपके ज्योतिबा फुले साहब, देख लीजिए। महान बन नहीं सकते हो तो कम से कम दर्शन ही कर लो महान लोगों के। बड़ा समाज बदल चुका है, है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमें खुद पता नहीं है, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। चलिए खुशी है। आगे बात करते हैं। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यह स्वर्ण युग था, तब योद्धा किसान जमीन बैठ जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों सैमिक जातियों अति शूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। मैं यहाँ और तुम वहाँ, फूले उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया। जब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे थे, वे हमारे सूत मुस्लिम पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं यहाँ और तुम वहाँ, किसने बोला? ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले ने। बात करते हैं आगे। 1873 में फुले ने गुलामगिरी गुलामी नामक एक पुस्तक किताब लिखी। इसे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था।
इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि पूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिमी भारत में डॉक्टर बी आर अंबेडकर और दक्षिण में ई बी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। हम भी इंसान, 1927 में अंबेडकर ने कहा था। अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांत, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मंदिर में कौन जा सकता था? इस मंदिर को देख लीजिए, मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार है। टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया चित्र 1792 में। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे तीन आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। बात करते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। देखिए ई.वी. रामास्वामी नायर पेरियार की है। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मणों को उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी देवण्य नस्लों को हरा कर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा, वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ था, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो याद रखिए, स्वाभिमान आंदोलन आपका रामास्वामी नायर ने शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि मूल धर्मिल और दैविड संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक भी थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता भगवद गीता रामायण के भी वे कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए
इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन, आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के भी कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज में भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चल रहे और ये आज भी आपके जारी है। महिलाओं के बारे में पेरियार ने क्या लिखा था उसे भी देख लेते हैं। तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के साथ के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों की सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है, अब वे अपने पति के घर का हिस्सा या संस्कृत के साथ हमारी अनिष्टता का परिणाम है। यह आपका पेरियार द्वारा रचित पेरियार जनता नाइकल से उद्धृत यानी कि लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सुधारों के लिए संगठित होना। एक केशवचंद सेन ब्रह्मा ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्श, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रभाव डाला। ये आपके हेनरी डेरोजियो, डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1830 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तन विचारों से अवगत कराया, उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। अब है ये आपके स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यह समाज सेवा और निस्वार्थ धर्म के जरिए योग मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने पृथ्वीशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कैसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के अध्यात्म गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था, अपने देशवासियों की निर्धनता दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोईघर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने, राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बाद बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पा सकता है पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर
उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस संबोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रति और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। पता है, जिंदगी कम होनी चाहिए, उम्र चाहे छोटी हो, मतलब जीने की उम्र छोटी हो। अब देखिए विवेकानंद जी को, कई लोग 110-10 20-20 साल जीते, कोई नाम भी नहीं जानता। ये 40 साल की उम्र, 40-41 साल की उम्र में कितना नाम कमा गए। तो उम्र अपने काम से अलग होती है। कई लोग 20 साल की उम्र में नाम उठा लेते, कई लोग 80 साल की। तो मैं तो सोचता हूँ कि जिंदगी छोटी होनी चाहिए लेकिन अच्छी होनी चाहिए। 20 साल जिए चाहे 30 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम किस तरह जिए, किसके लिए जिए, क्या करके कि मरे, ये बहुत मायने रखता है। देखिए कई राजा हुए, कई महाराजा हुए, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो शक्तिशाली होते हैं, उन्हीं को याद रखा जाता है। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता। वेद समाज मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। फिर आता है आपका अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधार के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। फिर आपका सिंह सभा आंदोलन, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंध सभा का गठन किया गया। इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे विसिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। यह आपका खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया। इसे भी देख लेते हैं, काले गुलाम और गोरी बागान वाले। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में विचलित दास पिता के बीच के तहत संबंध तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे, वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था जो ज्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम को फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं भी देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास पिता का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 में अमेरिकी क्रांति की भावना का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा में समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावपूर्ण भाषण
मैं अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास पिता के खिलाफ संघर्ष किया वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। गुलामों की बिक्री दक्षिण कैरोलिना अमेरिका में 1856 में। यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगा लेना। और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके रख लेना। अगर कभी टाइम मिलता है तो एक बार उससे भी पढ़ लेना, काफ़ी है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि आज जो आप करते हैं वो कल इतिहास बन जाता है। वो इतिहास में उन्हीं लोगों की याद रखते हैं जो कुछ करके जाते हैं। तो आज जो आप कर रहे हैं, इंसान तो आता जाता रहता है लेकिन इतिहास लिखता रहता है। अब गांधी जी चले गए, हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि वो कुछ करके गए। तो 8वां चैप्टर आपका खत्म हुआ। 9वें चैप्टर में बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक देखेंगे।